स्कूल मैदान में शनिवार को नागरिक मंच द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सातवां स्थान हासिल करने वाले चकाई बाजार निवासी प्रवीण कुमार का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कन्हैया लाल गुप्ता ने की, जबकि मंच संचालन भाजपा प्रखंड अध्यक्ष शालीग्राम पांडे ने किया। अपने संबोधन में आईएएस प्रवीण कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने चकाई के लोगों को दिया। प्रवीण कुमार ने कहा कि चकाई के लोगों की जीवटता और मेहनत को देखकर उन्होंने आईएएस बनने का प्रण लिया। चकाई के लोगों को मेहनती और जीवट बताते हुए प्रवीण ने कहा कि कॉलेज में जाने के बाद उन्होंने आईएएस बनने की इच्छा हुई और इस दिशा में जुट गए, जिसमें उनके माता पिता का भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि वो अब शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश, गांव और समाज की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस पढ़ाई के दौरान उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उन्हें लगा कि एक बेहतर इंसान बनकर ही समाज की सेवा की जा सकती है। उन्होंने लोगों से एक बेहतर इंसान बनकर सबों के साथ कुशल व्यवहार करने और विशेषकर महिलाओं का सम्मान करने की अपील की। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर करते हुए प्रवीण ने कहा कि सोशल मीडिया का अच्छे कार्यों में सदुपयोग करें। उन्होंने कहा कि एक अच्छा इंसान की खुशबू हमेशा समाज में सुगंध फैलाती रहती है। मौके पर ओमकारनाथ वर्णवाल, कन्हैया लाल गुप्ता, शंभू केसरी, रंजीत राय, धर्मवीर आनंद, विजय वर्णवाल, मुन्ना वर्णवाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। वादा ये नहीं कि आप घर पे, घर के साथ साथ समाज से भी जुड़ेंगे आप। ये हम आप लोग से आज वचन लेंगे आपसे। और प्रवीण जी के बारे में बस यही है कि मैं जानता हूँ कि इनके जैसे शख्सियत के लिए कहा, सही कहा गया है कि मैं जानता हूँ अभी मेरी उड़ान बाकी है। नया तो सफर अभी शुरू किया है, पर हासिल जो करने हैं कई सारे वो मकाम बाकी है। तो अभी जीवन में इनको बहुत कुछ हासिल करना है। अभी ये देश के गौरव है, हमारे समाज का गौरव है। इस मिट्टी के लिए गर्व की बात है, आप सबके लिए गर्व की बात है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे और बच्चियां बैठे हैं, जो अभिभावक है, उन सबके लिए ये प्रेरणा स्रोत है कि चकाई के इस मिट्टी से उठकर कोई व्यक्ति देश 125 करोड़ की आबादी है। आप इस चीज को समझिए। और लाखों लोग इस प्रेम सुनाई को जानकारी दे दिया कि चकाई में भी कोई प्रवीण नाम का लड़का है। और आप हजारों आदमी यहाँ हैं, आपकी आवाज चकाई मोड़ में है, जिनके दोनों हाथों। इससे पहले राजधानी ट्रेन से जसीडीह उतारने पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वाहनों के लंबे काफिले के साथ प्रवीण अपने घर पहुंचे, जहां उनके माता पिता एवं सगे संबंधियों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रवीण की एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ पड़े, जिससे पुलिस प्रशासन को भीड़ पर संभालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। आज चकाई आए यहाँ पे कार्यक्रम में सर, सर कैसा लगा? ये हमारे चकाई के गौरव और देश के गौरव है। प्रवीण जी ने ऑल इंडिया रैंक 7 की लाई है। प्रवीण जी सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस स्वागत नृत्य के लिए उन बच पैराडाइज के तमाम शिक्षिका और शिक्षकों को जिन्होंने ऐसा तालीम दिया, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस लायक बनाया कि हिंदुस्तान के सातवें पायदान पर जो चकाई के मिट्टी के सपूत यहाँ हर बीत लगी रहती है, सावन सपना खोना मत, आपको बस कमजोर करेंगे कुछ हो जाए रोना मत, पर उसकार उभाव तुम्हारा काटे कहीं भी बोना मत, ओर से शीतलता मिलती है पाप के बोझ को ढोना मत, कर्म करो मया अवेयरनेस कोरे तप सजोना मत, हार जीत लगी रहती है साहस सपना खोना मत। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ज्योति कुमारी आदित्य जी, आप भी मंच पर आदित्य जी जो देवगर। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।